नमस्कार, बियॉन्ड द बिगिंस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश होंगे। बियॉन्ड द बिगिंस में हम मानते हैं कि गणित सिर्फ एक कैलकुलेशन से ज़्यादा बहुत कुछ है। जैसा कि आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिस तरह की हमने प्लेलिस्ट बनाई है वो आपको हमारी सोच की एक आइडिया देगी। एक प्लेलिस्ट है एमसीसी या मैथ फॉर कॉन्सेप्ट, जैसा कि ये वाला प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, और इसमें हमने अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और रीजनिंग, इनको मिक्स मिलते जुलते बहुत सारे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट लेके उसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट क्या है, उसका क्या मीनिंग है। उसके बाद में एक हमारी सीरीज है हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। इसमें जो अपना रूटीन मैथमेटिक्स होता है, इससे बढ़ के डिज़ाइन थिंकिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, इस तरह की सारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कह रही हैं, उन सब का हमने समावेश किया है, तो वो आप जरूर देखिए। उसके बाद एक हमने सीरीज बनाई है SST, सपोर्ट स्ट्रक्चर टॉपिक। इसमें हमने जैसे एजुकेशन साइकोलॉजी की, जैसे लर्निंग कैसे होती है, मेमोरी कैसे होती है, इंटरेस्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पेरेंट्स ने क्या ध्यान देना चाहिए, और मल्टीपल इंटेलिजेंसेज क्या हैं, इस तरह के तमाम बहुत सारे वीडियोज़ हैं, वो भी आप ज़रूर देखिए। और साथ ही हमने करीब 200-250 रील्स बनाई है, जो कि आधे मिनट से लेके 1-1.5 मिनट तक की हैं, रील्स और शॉर्ट्स, जो कि आपको एक माइक्रो टॉपिक के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग देती है कि ये सब्जेक्ट क्या है, उसको क्या है, इसका इम्पोर्टेंस है। तो इस तरह से हमने बहुत कुछ किया है। और ये जो सीरीज़ है, इसका नाम है MCC या मैथ कोर कॉन्सेप्ट, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि नंबर लाइन क्या होता है। और इस पूरी सीरीज़ में हमारा प्रयास ये है कि सब चीज़ें कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स भी कॉन्सेप्ट हो तो उसको बिल्कुल नॉन टेक्निकल भाषा में समझाना और रोज की जीवन के एग्जाम्पल लेके समझाना। और इसलिए पूरी सीरीज़ हिंदी में है, ताकि अधिकतम लोगों तक इसका प्रभाव पहुँचे। और स्क्रिप्ट इंग्लिश में है और बोल हिंदी में रहें, तो दोनों मीडियम वालों को इसमें, और इतनी हिंदी सबको भारत में आती है, जो हमने किसी भी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हो उनको इतनी हिंदी आती है, तो इस तरह से सबके उपयोग का ये हो सकता है और है मतलब, तो इसको आप जरूर देखिए। तो देखते हैं आज हमारे पास क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट नंबर लाइन, ये क्या होती है। आशंग लाइन सुनी थी, ये लाइन सुनी थी, वो लाइन सुनी थी, नंबर लाइन क्या होती है। तो नंबर लाइन जो है एक इमेजरी लाइन होती है, एक काल्पनिक लाइन होती है, जैसे कि हमारी भूमध्य रेखा की लाइन है, या कर्क रेखा है, मकर रेखा है, ये तमाम तरह की लाइन है जो आपकी दिखती नहीं है लेकिन उनका अत्यधिक महत्व होता है। उसी तरह से ये नंबर लाइन है जो कि कहीं भी दिखती नहीं है। तो कोर कॉन्सेप्ट क्या है नंबर लाइन का, ऐसी एक इमेजरी लाइन नहीं है, एक इमेजनरी लाइन है जिसका कि मैथमेटिक्स में बहुत महत्व है, और इसके ऊपर नंबर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे 0 हो गया, 0 तो पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब इक्वल डिस्टेंस रहेंगे, इस तरह से ये जाते हैं इंफिनिट तक, और इसको हम लिख देंगे 1, 2, 3। ऐसा ऊपर नीचे लिखने से क्लबिंग नहीं होता है, विशेषतः ये जो निगेटिव नंबर्स हैं, जैसे -1 है, -2 है, इनको अगर एक साथ लिखा जाए ये बहुत तकलीफ देते हैं टीचर्स, जो टीचर बनना चाहते हैं या टीचर हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी जानकारी है। तो इस तरह से एक इमेजरी लाइन होती है, और लाइन का जो हमारा कंसेप्ट है क्या है कि लाइन इज ऑलवेज इन्फिनिट, लाइन कभी भी लिमिटेड नहीं होती है। जिसको हम लाइन कहते हैं कि बैंक की लाइन होगी, राशन की लाइन होगी, दैट इज ए क्यू, वो एक क्यू है, वो लाइन नहीं है, वो एक क्यू है, एक कतार है, वो एक रेखा नहीं है। रेखा हमेशा अनंत होती है और दोनों तरफ अनंत होती है। और देखते हैं तो इसमें क्या क्या नंबर्स होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, अब उसको हम ये देखेंगे। इमेजरी बट यूजफुल लाइन विच इज ट्रू। और इसके बाद हम देखेंगे कि मैथ को कंसेप्ट, 0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, ये क्या होते हैं, इसको अब हम देखेंगे। अभी मैंने बना दिया था ड्रॉइंग, हालांकि फिर भी एक बार देख लेते हैं कि इसके सेंटर में एक नंबर होता है जिसको हम 0 कहते हैं। 0 एक्चुअली जब कोई इन्फिनिट सीरीज होती है, मतलब ये भी इन्फिनिट तक जा रही है, तो ये -इन्फिनिट तक जा रही है, तो उसके बीच में भी सेंटर एक नंबर होता है, लेकिन उसको हम बोले 0। अब हम जितना डील करते हैं, मतलब हम जितना स्कूल साइंस में, स्कूल मैथ से जितना पढ़ते हैं, तो हम इंटीजर्स की ही लाइन पढ़ते हैं कि उसमें इंटीजर्स होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी नंबर उसके अंदर हो सकता है।
फिर भी हम देखेंगे जीरो, और इसके इस साइड जितने नंबर्स हैं दे आर कॉल्ड पॉजिटिव नंबर्स, और इसके इस साइड जितने नंबर्स हैं दे आर कॉल्ड नेगेटिव। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू जीरो। जैसे कि अगर थोड़ा सा इसके अगर अपन एप्लीकेशन टाइप करें तो मान लीजिए ये कोई बहुत बड़ी एक वो है, ये कोई बहुत बड़ी जैसे यहाँ तक ले जाता हूँ, जैसे कोई बहुत ह्यूज कॉम्प्लेक्स है, बहुत हाइट वाला कॉम्प्लेक्स है, तो ये है उसका ग्राउंड फ्लोर जीरो, और ये जा रही है ऊपर, और ये जा रही है बेसमेंट। तो ये हम क्या बोलते हैं इसको, इसको हमेशा फ्लोर्स होते हैं, इनका इनका नाम हमेशा देखिए आप B1, B2, B3 ऐसा रहता है, क्यों, क्योंकि बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, बेसमेंट 3 कई कई बिल्डिंग में तो B10 भी रहते हैं, ज़्यादा भी रहते हैं, क्योंकि जितनी ऊपर रहेगी बिल्डिंग उतना उसको बेस देने के लिए बेस उतना बढ़ा लेना पड़ता है। आई होप हम मैक्सिमम डाउन अप टू B4 मैं जा चुका हूँ, ये ग्राउंड फ्लोर के बाद B4, और B4 पे पार्किंग होता है, तो बहुत सारे और भी बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, बड़े बड़े होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा फ्लोर भी नीचे होती है और ऊपर भी होती है। तो ये एक तरह से नंबर लाइन है आपकी, कि ये जो है थोड़ा मैं कलर बदल देता हूँ ताकि कंफ्यूजन थोड़ा क्लियरिटी रहे, ये जो है आपका ये जो ग्राउंड फ्लोर है यहाँ से जहाँ से आपका मेन एंट्रेंस है या मेन एग्जिट है जो भी आपके लिए, तो ये आपका हो गया जीरो। और आप नीचे जो जा रहे हैं पार्किंग वार्किंग ये वो, तो ये सब आपके हो गया बेसमेंट, ये हो गए नेगेटिव नंबर्स और ये हो गए पॉजिटिव नंबर्स। ये इसका पैरेलल है या इसके जीवन में एक एप्लीकेशन है कि नंबर लाइन का जो कंसेप्ट है उसको हम इस तरह से भी समझ सकते। ऑपरेटिंग ऑन नंबर लाइंस मतलब क्या हो रहा है कि फिर एक बार हम वहीं आ जाएंगे कि आपको ऑपरेट कैसे करना है नंबर लाइन को, ये बहुत फंडामेंटल बात समझने की, जिसके कि देखिए बेसिकली नंबर लाइन इज नॉट ए वेरी बिग, मतलब ऑपरेशनली इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसके एग्जाम्पल जब हम लेंगे तब ज़्यादा हमको समझ में आएगी, क्योंकि समझाने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर एक बार जीरो है, वही जो बात मैं आपसे कह रहा था कि जब भी आप इसका एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि जब आप ऐड करोगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वगैरह वगैरह टू इंफिनिटी, और ये -1, -2, -3, -4, -5, -6 वगैरह वगैरह। तो अब मैं जब 4+2 कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने अभी कहा था आपको कि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, जब हम ऐड करेंगे तो हम इस तरफ जाएंगे। तो अब चलिए तो 1, 2, 3, 4 तो 1, 2, 3, 4 तो 4 पे आप खड़े हो और आपने क्या किया 2, 1, 2 तो यहाँ पे आप पहुंच गए 6। ये है एडिशन ऑन नंबर लाइन। इसके उल्टा मान लीजिए हमारे पास है -3 + 6, वो अपन प्लस माइनस समझेंगे, वो जो परमानेंट जिंदगी भर का कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स पे उस पर भी अपन आएंगे अभी थोड़ी देर में। नाउ दिस इज जीरो, दिस इज -3 तो मार्क कीजिए -3 + 6 तो आप 6 पेसेस इस साइड जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे आ जाएंगे। तो -3 + 6 इट कम्स टू 3 पॉजिटिव। ये है ऑपरेटिंग ऑन नंबर लाइन। एंड सिमिलरली इसी क्वेश्चन को हम ये भी कह सकते हैं कि 6 - 3 तो 6 यहाँ है, माइनस के लिए इधर जाएंगे 1, 2, 3 दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग ऑन नंबर लाइंस या ऑपरेशन ऑन नंबर लाइंस। अब आएगी असली बात, ये अंडरस्टैंडिंग ऑपरेशन ऑन नेगेटिव नंबर्स, ये जो है सारे कन्फ्यूजन की जो जड़ है, हमने बहुत डिटेल में एक डायग्राम बनाता हूँ और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। जानबूझ के बहुत लंबी लाइन ले रहा हूँ सॉरी, एंड आई ट्राई टू पुट ऑल द जीरो ईयर, आई ट्राई टू पुट जीरो ईयर ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर -1, -2, -3, -4, -5, -6,
-7, -8, -9, -10, चलिए यहाँ तक गिनते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर निगेटिव हैं बिकॉज वी आर मूविंग टू द लेफ्ट ऑफ जीरो, एंड हैड वी गॉन टू द राइट ऑफ जीरो तो 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब चलिए अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेशन ऑन निगेटिव नंबर। तो इफ आई एम मेकिंग -4, -2, माइंड यू मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऐड करना है। जैसे हमने ऐसा कोई क्वेश्चन लिया उसमें आया -4x और -2x, इनको मुझे ऐड करना है। वेयर इज माई -4, -1, -2, -3, -4, इस पर मैं रखूँगा उंगली। और -2, तो जैसा हमने कहा था सब्ट्रैक्शन है तो लेफ्ट में जाएंगे, तो इसके और दो लेफ्ट में जाएंगे। अब यहाँ बचोगे -6, यहाँ पे -6 लगा देंगे। कभी भी आपकी गलती नहीं होगी, कभी मतलब कभी भी नहीं होगी। फिर एक एक और लेंगे, हम दूसरा हम लेते हैं -3, -8, ये है। तो अलग कलर से लेते हैं ताकि क्लियर हमें समझ में आए, ब्लू ले लेते हैं। तो ये रहा 0, 1, 2, 3, दिस इज योर -3 एंड यू हैव टू गो -8 टू द लेफ्ट, मतलब 8 टू द लेफ्ट। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहाँ पहुँचे आप -11। तो -3, -6, -11। तो बच्चों को जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि यू आर एडिंग ऑन द नंबर लाइन, तो उसका साइन कुछ भी हो, भले एक पॉजिटिव हो, एक निगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो, दोनों निगेटिव हो, वाट एवर इट इज, इफ यू आर एडिंग ऑन द नंबर लाइन, इफ यू आर नॉट मल्टीप्लाइंग देम, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बात अलग है, बाकी आप इस तरह से अगर उसको ऐड कर रहे हो इस तरह से, किसी भी कारण से अगर आप ऐड कर रहे हो तो वो हमेशा ऐसे ही ऑपरेट होगा जो सिद्धांत ने आपको इसमें दिखाया। बच्चों को इसमें अगर आप इस तरह से बताएंगे कभी भी जिंदगी में उनको कन्फ्यूजन नहीं होगा। बहुत सिंपल सी बिल्कुल बात है, जैसे -5, -6, तो -5 पर उंगली रखिए, ये रहा 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस पर एक और अलग कलर से बता देते हैं। तो -5 पे मैंने यहाँ इंडिकेटर रखा दिस माय -5, ओके। अब -6, तो फिर एक बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर मैं यहाँ पहुँच, दिस इज नथिंग बट -6। कभी भी गलती नहीं होगी। अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको हमको सबसे पहले सिखाना है कि यू आर एडिंग और यू आर मल्टीप्लाइंग, बस साइन प्लस हो माइनस हो जो भी साइन हो, आपको सिर्फ ये देखना है कि आप ऐड कर रहे हो कि मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो लॉज अलग हो जाते हैं। और एडिशन में भले दोनों निगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो, 10 पॉजिटिव हो 10 निगेटिव हो, कुछ भी नहीं होता है, यही नंबर लाइन चलती है। ये हम स्टूडेंट्स को नंबर लाइन के थ्रू जब सिखाते हैं तो उनको परमानेंटली क्लियर हो जाता है कि ये कन्फ्यूजन कभी भी नहीं होता। ये तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब आप ऐड करते हो तो मुझे ऐसे ऐसे अनुभव हैं जो मैं आपको बता नहीं, तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि हम इस तरह से उनको। तो इस तरह से हमने देखा कि नंबर लाइन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, हमारे भी कंसेप्ट क्लियर होते हैं और हमारे स्टूडेंट्स के भी, बच्चों के भी कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो कमेंट में लिखिए कि आपने नंबर लाइन इसी तरीके से सीखा था, क्या आपने इसमें कुछ और सीखा था, हमें पढ़ने में बहुत खुशी होगी। साथ ही मैं आपको बताते चलूँ कि आप बहुत जल्दी ही हम बहुत सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स कोर्सेज और सर्विसेज लेके आने वाले हैं जो कि आप बाय कर सकते हैं, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको आप रेगुलरली उसमें एंगेज हो सकते हैं। तो इस तरह से हम काफ़ी कुछ करने वाले हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर आगे, तब तक के लिए नमस्कार।